बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमारे फैमिलीज में आप सबको अपने ही सामान में रखे, अल्लाह ताला बुरी नज़र, बुरी गली और बुरे वक्त से बचाए, आमीन। और मेरी तरफ से आपको बहुत 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 ईद मुबारक। और जी, आपको पीछे वॉइस आ रही होंगी, यहाँ पर ईद का दूसरा दिन है और मैं वॉइस आ रही हूँ। बारिश बहुत तेज़ हो रही है यहाँ पर और बाहर का छोड़े, इनसाइड हम जो है मोबाइल के अंदर हम बना रहे हैं बिरयानी, चिकन बिरयानी। तो हमें ख़त्म देना था, तो उसके लिए हम 5 kg जो है हम लोग बना रहे हैं बिरयानी। तो जी, यहाँ पर सबसे पहले तो हमने करेंगे ऑयल को गर्म, ताकि जो है ना चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए। और उसके अंदर हमने ऐड किया था सॉल्ट। सॉल्ट ऐड करने से ये होता है कि ना चिकन जो है वो हमारा फ्रोज़न था, मतलब ना फ्रीज हुआ हुआ था, हमने फ्रीज़र में रखा था, तो फ्रीज़र में रखा हुआ था ताकि हमारा चिकन ख़राब ना हो जाए। तो इस वजह से जो है अभी हमने ऑयल में नमक डाला है, ताकि जो है हमारा जो चिकन है वो नीचे ना लगे। मतलब जो होता है ना चिकन, बार दफ़ा ऑयल में फ्राई करने डालो तो वो उसको हिला, वो आधा चिकन जो है वो जिसमें हम फ्राई कर देते हैं उस बर्तन के साथ भी चिपक जाता है, तो नमक की वजह से ये नहीं होगा। तो अभी चिकन में सबसे पहले हम लोगों ने लेग पीस जो है सारे वो फ्राई करेंगे, उसके बाद हम जो है हमारे डिफरेंट चिकन के पीसेज हैं उनको फ्राई करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ पर हम लोगों ने तमाम वेजेस का जो है मतलब जो बिरयानी में देते हैं सबका जो है बना कर रख लिया है पेस्ट। और यहाँ पर जो है हमारे लेग पीस फ्राई हो चुके थे, तो हम लोगों ने निकाल लिए। और नेक्स्ट हमने जो है दूसरे पीस ऐड कर दिए जिनको हमने फ्राई करना था। तो यहाँ पर अब हम डालेंगे हमारे नेक्स्ट पीसेस। तो जैसे हमने लेग पीस डाले हैं, हम वैसे ही दूसरे पीसेस भी ऐड करेंगे। तो जी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए बेल आइकन के साथ। तो जी, यहाँ पर हमारे डिफरेंट पीसेस जो थे हमारे, वो भी हमने फ्राई कर लेने हैं। और अब यहाँ पर हमारे जो है सारे पीसेस फ्राई हो चुके हैं। तो इस तरीके से हजार से डालें और हजार से निकालें। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया, आप इजीली होकर निकालें, आप जिस स्पून से आराम से आप निकाल सकते हैं आप निकालें। और नेक्स्ट पीसेस जो हमारे रह गए थे हमने वो भी फ्राई होने रखी। और अब जो है हमारा सारा चिकन फ्राई हो गया था, तो हम लोगों ने बड़ा बर्तन लिया, उसके अंदर हमने ऑनियन ऐड करके जो हमारा चिकन वाला ऑयल था जितना हमें ज़रूरत था हम उतना उसके अंदर ऐड कर दिया, ताकि जो है हमारे प्याज अच्छे से फ्राई हो जाए। अब तो अब हमने इसको रख दिया है चूल्हे के ऊपर, तो देखिए फ्राई हो रहे थे इस तरीके से। आपको भी फ्राई कर लें, बहुत ईजी होता है बनाना मगर एहतियात से। यहाँ पर हमने ऐड कर दिया था जीरे का पेस्ट इस तरीके से, और अब हम इसको हिला लेंगे अच्छी तरह से। और नेक्स्ट हम जो है प्याज की आप शक्ल देखें, मतलब कलर वगैरह सारा इस तरीके से आप बना लें, डार्क ब्राउन लाइट ब्राउन का कलर कर लें। उसके बाद जो है उसको हिला लें, देखो कलर जो है वो इस तरह का हो जाएगा। इसके अंदर हमने ऐड किया था नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, मतलब जितना 5 kg में यूज होता है उतना। और यहाँ पर देखिए अब हमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर और अपना सॉल्ट। सॉल्ट मैं आपको बताती चलूँ कि 5 kg जितना 1 kg में यूज़ होता है
उसी हिसाब से जितना 5 kg में ऐड होगा, और अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 1 kg में वैसे तो अकॉर्डिंग टू पेज होता है, अगर आप मॉर्निंग खाना चाहेंगे तो जी अपने हिसाब से आप ऐड कर लें और आप कितना खाते हैं नमक। तो यहाँ पर हमने जो है जो गरम मसाला है, खड़े मसाले वगैरह, वो हमने साबुत नहीं डाले क्योंकि साबुत नहीं खाए गए थे, तो हमने उसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया। उसके बाद हमने उसको बिरयानी के मसाले में ऐड कर दिया, और इसमें हम लोगों ने बिरयानी मसाला ऐड किया था 2 पैकेट हमने जो है इसके अंदर बिरयानी मसाला जो है वो ऐड किया था। और ये देखिए सॉल्ट इतना हम लोगों ने तो 5 kg में डाला था, हाफ कप हमने इसके अंदर डाला था सॉल्ट। और यहाँ पर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कोरिएंडर पाउडर, क्योंकि इस तरह के जो मसाले होते हैं वो बिरयानी में ज़्यादा टेस्ट जो है वो देते हैं, और बिरयानी जो है नॉर्मल बनती है जो सबको पसंद है। नेक्स्ट हमने इसके अंदर ऐड किया था रेड चिली फ्लेक्स हमने इसके अंदर ऐड की थी 2 टेबल स्पून इसके चलते। और नेक्स्ट हमने इसके अंदर ऐड कर दिया अपना चिकन जो कि फ्राइड हो चुका था, तो हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करेगा चिकन को अपने पेस्ट के अंदर जो हमने बनाया है बिरयानी के लिए, तो वो ऐड हो गया हमारा। उसको अच्छे से भूनेंगे ताकि मसाला जो है अच्छे से जस्ट हो जाए चिकन के अंदर। और नेक्स्ट हम इसमें थोड़ा सा पानी डाला था ताकि जो है पेस्ट हमारा नीचे ना लग जाए। तो अब इस स्टेप में आके हमने इसके अंदर ऐड किए कड़ी पत्ता, मैं हमने एंड में ऐड किए थे जब हम राइस को जो है चिकन के अंदर ऐड करने लगे थे। इस तरीके से इसको अच्छे से हिलाएं, आप देख सकते हैं कि जो हमारा चिकन है जो हमारा एक टेस्ट है उसके अंदर से मसाला है बिरयानी का उसमें से ऑयल निकलने लगे हैं। जब ऑयल लेना था मुझे इसका मतलब आपका जो है वो पेस्ट यानी मसाला आपका बन चुका है इस तरीके से। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स करने के बाद, अच्छे से मिलाने के बाद आपको नेक्स्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे राइस। राइस हमने लिए थे जो है कितने 5 kg राइस थे। 5 kg राइस को हमने जो है वो धो कर अच्छे से बड़े बर्तन में, उसमें कोई भी बड़ा बर्तन ले लें उसमें हमने उसको भी धो कर रख लिया था जब हम अपना पेस्ट बना रहे थे। अब हमने जो है इसके अंदर जितना हमें जैसे कि 5 kg चिकन था और 5 kg राइस थे उस हिसाब से हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है, ना कम ना ज़्यादा। इसके अंदर नाप के जो है हम पानी ऐड करेंगे। जो राइस में पानी ऐड होता है अगर मेजर करके डालो तो डबल डलता है, मगर अगर अपने हिसाब से डालो तो जब राइस ऐड कर दो तो उस पर 1 इंच पानी ऊपर होना चाहिए। जैसा कि आपको पता ही होगा तो इसके अंदर पानी ऐड करने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, और उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर दिया अपना राइस। इस तरीके से राइस अचानक भी ऐड नहीं करना है क्योंकि गर्म पानी होता है आपके ऊपर ना गिर जाए। तो अपना बचाव करते हुए सेफ्टी मेजर्स को इस्तेमाल करते हुए आप इसके अंदर राइस ऐड कर दें, और राइस को फिर आप ध्यान से हिलाएं। कोई ऐसा चम्मच ले लें, ऐसा कोई बर्तन ले लें जिससे आप आराम से हिला सकें इसको। तो ये राइस हिलाने के बाद हम जो है अब इसको सबसे पहले तो हम हिलाएंगे ना अच्छे तरीके से, जो राइस रह गए थे वो भी ऐड कर देंगे आप, क्योंकि हमने बहुत ध्यान से इसके अंदर राइस ऐड किए थे। तो हम इसको दम दे देंगे और ठीक 15 मिनट बाद ही हमारे राइस जो है वो हो गए थे और रेडी हो जाएंगे। तो अब हम इसका जो है दम दे देंगे।
तो जी ये जो ख़त्म था वो मेरे दादा के लिए था, उनका जो है वो साल का ख़त्म था। माशाल्लाह बहुत अच्छे थे। आप लोग भी उनके लिए दुआ कीजिएगा कि मतलब उनको दिल पर जो उसने आला मकाम अता करें। यहाँ पर हमारे राइट सब कुछ रेडी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड टू लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल विद बेल आइकन, ताकि आप कोई भी आने वाली लाइव और वीडियो को नोटिफिकेशन मिस ना कर सको। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।